नमो अरि हंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वत्सायानम नमो लोए सब साहुनम। ऐसो पंच नमकारो सब पावप्पणासनो मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। तैंतीस कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने के हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु
सत्यम निश्चय भंग है, तैसा कोटि दैवगण, विश्वहितार्थे स्वागतम। जग कल्याण का यज्ञ में मंगलमय तो आशीषम। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष गलती भूल को माफ दो, व्यवहारे सद्बुद्धि हो, निश्चय में अभिप्रुद्धि दो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दियो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा अनमोल अवसर है हमारे सबके लिए कि ऐसे कलयुग के अंदर और हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, जो कुछ भी कहो, पॉलिटिकली, सोशियली, रिलीजियसली, सभी प्रकार की दिक्कतें आज पूरे विश्व में दिख रही है और एक प्रकार से हर फील्ड के अंदर हर अवस्थाएं अपसेट दिखती हैं। कहीं कहीं जगह भय का वातावरण भी फैला हुआ है और इसी वातावरण के अंदर ये जो स्पिरिचुअल साइंस है,
जो आप साइंटिस्ट के रूप में सुन रहे हैं, ये सब आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये विज्ञान इतनी आसानी से घर पे बैठे बैठे न केवल सुनने को मिलता है, बल्कि घर पे बैठे बैठे अपने प्रश्नों का समाधान भी हम पा सकते हैं। और इसीलिए और ये समाधान भी कैसा, परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि सिद्धांत भी परमानेंट, इसीलिए सॉल्यूशन भी परमानेंट। जब श्रद्धा की बात होती है तो परमानेंट सॉल्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि श्रद्धा तो परिवर्तनशील है, समय संजोगों के अधीन परिवर्तित होती रहती है। और जब सिद्धांत की बात आती है और उसमें भी कुदरती कानून की बात आती है तो अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है और सबके लिए एक ही प्रकार का उनका रोल है। तो इस प्रकार के वातावरण के अंदर आप सबको ये विज्ञान सुनने को मिला, समझने को मिला, अनुभव करने को मिला और आपके जीवन में जिस प्रकार से एक प्रकार की निश्चिंतता आ गई, एक प्रकार की आंतरिक खुमारी प्राप्त हुई, एक प्रकार की निर्भयता प्राप्त हुई, एक प्रकार की अनिश्चितता से मुक्ति प्राप्त किया आपने, एक प्रकार की ड्युअलिटी या द्वंद से आप मुक्त हो गए, एक प्रकार के धर्म की विविधताओं से आप मुक्त हो गए, एक प्रकार की प्रकृति की उलझनों से आप मुक्त हो गए, रिलेटिव सत्य की विविधताओं से आप मुक्त हो गए, क्योंकि आपको एक ही बात मालूम है और मालूम होना चाहिए आपकी दृष्टि के अंदर कि मैं चेतन अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला शुद्ध आत्मा हूं, वो मैं हूं और मेरे अलावा मन वचन काया सहित पूरा विश्व है, वो सिर्फ और सिर्फ कुदरती रचना है। इसमें कोई दूसरा डिवीजन मेरे विजन में हो ही नहीं सकता, और जब डिवीजन ही नहीं है तो पजल भी कैसे होगा। उदय कर्म हो सकता है, पजल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम इस प्रकार के विज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और अपने जीवन का मूल आनंद ले रहे हैं, जो विनाशी अवस्थाओं के ऊपर आधारित नहीं है, मगर मन वचन काया और विनाशी अवस्थाओं से मुक्त रहने का जो आनंद है वो हम सब उठा रहे हैं। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को और परिपक्व करें, अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त पाए और अपना जीवन और उज्जवल बनाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना, मंगल कामना है। जय सच्चिदानंद। मैं जो जितना भी समझा हूं मेरे हिसाब से, वो मैं आपसे बात करूं कि प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में मैं जो समझा हूं कि प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब विभाविक आत्मा, जो पुरुषार्थ करना यह उसका काम है। जैसे क्रोध हुआ तब स्वच्छ परमाणु जो कोटक होके दूसरे जन्म में रूपक में आते हैं, वो पूरा ये विज्ञान का उपयोग करते हैं तो वो कुदरती रचना समझते हैं, तो वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होता है। और अगर वो इसमें तन्मयकार हो जाते हैं तब वो कर्म चार्ज होता है और दूसरे जन्म में वो आता है। ऐसा ये हर वक्त चलता ही रहेगा, जो ऐसा नहीं हुआ तो मतलब चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो बोला जाता है, यही समझ है मेरी, सही है स्वामी जी? नहीं, दोनों दोनों सेक्शन अलग है। हाँ, डिस्चार्ज वाला सेक्शन वो कुदरत के कानून के हाथ में है और चार्ज वाला सेक्शन हमारे हाथ में है। बराबर।
और हमारे हाथ में है वहां पुरुषार्थ है, हमारे हाथ में नहीं है वहां परिणाम है। बराबर। तो दोनों अपनी जगह पे सही है और अलग है। तो अलग है उसमें जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उसके अंदर जो भी ज्ञान दर्शन है उसी के मुताबिक इसका उपयोग करके वो मन वचन काया के डिस्चार्ज की कोई भी अवस्था में अपना ज्ञान और दर्शन का उपयोग करके पुरुषार्थ कर सकते हैं, बराबर जुड़ भी सकते हैं, अलग भी रह सकते हैं और अलग प्रकार के भाव भी कर सकते हैं जिससे मन वचन काया उनकी अवस्था से कोई संबंध नहीं है। बराबर। ऐसे भी भाव कर सकते हैं जैसे मेरे को महाविद्या क्षेत्र में जाना है, ऐसा भाव करेंगे तो मन वचन काया की अवस्था के साथ क्या संबंध है? बराबर। अभी तो कोई संबंध नहीं है ना मन वचन काया से, तो नहीं उससे सेपरेट है। बराबर। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे भाव है जिससे मन वचन काया और उनकी अवस्था से कोई संबंध नहीं है। बराबर। तो पहले हमको ये समझना है कि आज का चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज बन गया। बराबर। तो फिर डिस्चार्ज का मतलब अभी कुदरती कानून। बराबर। जैसे एग्जाम हम देते हैं, रिजल्ट टीचर देते हैं। बराबर। तो रिजल्ट एग्जाम तक हमारे पास में पावर था, रिजल्ट का पावर टीचर के हाथ में है, यस और नो? यस। मगर पहले एग्जाम दिया उसी का तो रिजल्ट देंगे ना। हाँ हाँ। तो हमने जो चार्ज किया था वही डिस्चार्ज आएगा ना। हाँ वही डिस्चार्ज आएगा। तो चार्ज में जो आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार होगा वही डिस्चार्ज में आएगा। बराबर। तो डिस्चार्ज में तो कंट्रोल नहीं है हमारा। तो ये समझना पड़ेगा कि मन बुद्धि चित्त अहंकार दो प्रकार के हैं, एक डिस्चार्ज और एक चार्ज। बराबर। ये बोलना आप भूल गए। राइट राइट। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी दो प्रकार के हैं। बराबर। एक डिस्चार्ज मतलब आपके पास फ्रीडम नहीं है। बराबर। और चार्ज का मतलब आपके पास फ्रीडम है आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक। बराबर। और जैसा आपके पास फ्रीडम है वो भाग के अंदर जो ज्ञान दर्शन है उसी के मुताबिक चार्ज वाला भाग पुरुषार्थ कर सकता है, डिस्चार्ज वाला भाग तो कुदरती रचना है। बराबर। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कुदरती रचना और स्पीच और एक्शन भी कुदरती रचना। बराबर। समझ में आया? हाँ जी सही। हाँ स्वामी। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद। यस जय सच्चिदानंद। ऐसे तो कुछ सवाल है नहीं स्वामी जी, वो कई दिन से आपको रूबरू बातचीत आपसे हुआ नहीं था तो मैं सोचा कि आपसे आशीर्वाद ले लूं। जी 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 जी। बस मेरा खूब खूब आशीर्वाद है। आप खूब खूब प्रगति करो। हाँ स्वामी जी। कोटि कोटि वंदन। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दृष्टि विषय जा समझो तो गुजराती बोलो कई वादो नहीं। કેવળ જ્ઞાની જ્ઞાની અને અજ્ઞાની એ ત્રણેયની દ્રષ્ટિ જુદી જુદી હોય છે એ જ આ સમજવું હતું. ઓકે ઓકે ઓકે. અજ્ઞાની જ્ઞાની ઓર કેવળ જ્ઞાની એ તીન પ્રકાર હૈ. અજ્ઞાની કા મતલબ હોતા હૈ જિનકો વ્યવહાર સત્ય કા હી જ્ઞાન હૈ વો સબ અજ્ઞાની. ઓ व्यवहार में सत्य असत्य क्या है इतना ही जानते हैं, इसको कहते हैं अज्ञानी. ज्ञानी का मतलब होता है व्यवहार सत्य का भी ज्ञान है और सनातन सत्य का भी ज्ञान है, वो ज्ञानी है. हाँ जी. और वितराग का मतलब होता है, केवल ज्ञानी का मतलब होता है जिनकी दृष्टि में सनातन सत्य का ही ज्ञान है. व्यवहार सत्य तो उदय कर्म है, मतलब उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है और पुरुषार्थ की भी जरूरत नहीं है क्योंकि केवल ज्ञान हो गया है. समझ गया. ओके ओके. जय सच्चिदानंद.
उर्मिला बेन अनम्यूट करो। हेलो 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 जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મારે એ પૂછવું છું, 351 માં આપણે ઉદીર્ણા નું આવે છે એ તો સમજાય છે, પણ 352 માં ઉદીર્ણા સાતમા ગુઠાણા અને ત્યાંથી ઉપરના કરી શકે, અને એને ઉદીર્ણા આપણા બીજાને જે ભોગવટો આપવાનો હોય એ કર્મોની થઈ શકે એ સમજાતું નથી। ઉદીર્ણા કા મતલબ હોતા હે મેરે કો જો કર્મો કે ભુગતાન કરના હે उसकी ही उदीर्णा हम कर सकते हैं अगर हमारे पास क्षमता है तो। मगर दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जो हमको भुगतान करना है इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए रामकृष्ण महावीर को भुगतान आई क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं था। राम को वनवास जाना पड़ा, राम की सीता उठा के ले गए, राम को युद्ध करना पड़ा, भगवान महावीर को भी कान में खिले लगे, कृष्ण भगवान का भी जन्म जेल में हुआ, ये उनके हाथ में नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो उनके हाथ में नहीं है, उसको नहीं मिटा सकते, वो दूसरे के हाथ में है। जो मेरे सत्ता में पड़े हैं, जिसके माध्यम से दूसरे को भुगतान करनी है, इसको मैं मिटा सकता हूँ। मगर दूसरे व्यक्ति के पास सत्ता है जो मेरे को भुगतान करनी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, भुगतान करनी ही पड़ती है। सिर्फ मैं अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग करके वितराग रह सकता हूँ। अच्छा, समझ आएगी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મારો ચલ્યું કર્યો ને સ્ટાર્ટ કર્યો વિડિયો, કે ક્વેશ્ચન પૂછ નઈ ના બેન બોલો। હા, જય શ્રી જય સ્વામીજી। મને ખ્યાલ નથી સ્વામીજી દેખાતા નથી, એક મિનિટ નઈ ના, મને પણ નથી દેખાતા, વિડિયો ઓફ છે એટલે તમે કેમ નથી બોલતા ઈ ડિડન્ટ રિયલાઇઝ કે સ્વામીજી। જય સચ્ચિદાનંદ। स्वामी जी मेरा प्रश्न ये है, अज्ञान के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं कि yes. जैसे कि ऐसे अनुभव रहा है स्वामी जी की, जैसे हमने ये हमारी जर्नी शुरू की है तब पहले तो जैसे कि 5 आज्ञा हम ये करते थे, तो उसमें फिर आगे चलते चलते जैसे बोलते हैं ना कि बिलीफ पकड़ में आती थी कि किस आधार से ऐसे ये अज्ञान खड़ा हुआ है, तो बिलीफ हमको दिखाई देते थे कि ये बिलीफ के कारण ये हो रहा है, ये बिलीफ के कारण ये हो रहा है करके। उसके बाद में फिर वो जैसे जैसे पता चलता है वैसे ये होने लगता है। उसके बाद में अभी क्या होता है स्वामी जी कि एक बोलते हैं ना कि डिस्चार्ज वाला पार्ट है ना वो कर्ता बताता है, डिस्चार्ज वाला पार्ट कर्ता बताता है, और उसके बाद में फिर ये हम लोग सनातन सत्य की दृष्टि है उसे हम अप्लाई करते हैं कि भाई ऐसे कोई करता नहीं, ये भी कुदरती रचना है, फाइल नंबर 1 की है वो भी कुदरती रचना है स्वामी जी। okay. मेरा क्वेश्चन स्वामी जी ये है कि क्या ये है, यानी एंड में जो एंड है अभी तो बहुत कुछ बाकी है मुझे नहीं पता है, मगर ऐसे ये एक स्टेज आता है जब ये ऐसे सब करता वाला जो पार्ट है वो सब दिखाई देता है, फिर हम सनातन सत्य हम सेट करते हैं और हमें हम कहते कि नहीं वो कुदरती रचना है, हमारी भी कुदरती रचना है। फिर उसके आगे आगे क्या होता है स्वामी जी, किस किस प्रकार का ऐसे हम बोल सकते, सबका अलग 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 होता है अज्ञान, जैसे सभी का ही अलग होता है? नहीं, बताऊं मैं आपको, अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, मगर अज्ञान विज्ञान की हाजिरी में प्रकट हुआ है। हाँ। विज्ञान की गैर हाजिरी में प्रकट हुआ है। बराबर है। तो अज्ञान तो अनेक प्रकार का होगा, अनंत प्रकार का भी हो सकता है, मगर विज्ञान फिक्स है।
हाँ विज्ञान तो फिक्स ही है, वो तो है। अभी आपको क्या, अभी हमको क्या करना है, अनेक प्रकार का अज्ञान बिलीफ हमारे अंदर है, वो समय समय पे निकलेगी। हाँ हाँ। समय जो सनातन विज्ञान है इसका उपयोग करोगे, धीरे धीरे आपका जो विजन है जो अज्ञान से फैला हुआ है वो अज्ञान समाप्त हो जाएगा और विज्ञान दृष्टि से मजबूत हो जाएगा। हाँ। जैसे जैसे विज्ञान दृष्टि आपकी परिपक्व होती जाएगी ऐसे ऐसे आपका विजन सेंट्रलाइज हो जाएगा। हाँ हाँ। और सेंट्रलाइज हो जाएगा तो विकल्प खत्म हो जाएंगे, राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, वीक और भय भी खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ। और जो बाहर जो सुख खोजने की जो अपेक्षा और इच्छा थी, मान्यता थी, वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ बराबर है। अपने आप एक दिन ऐसा आएगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये अवस्था है बस। हाँ स्वामी जी, एक एक क्वेश्चन करना है आपसे, आप अगर परमिशन दे तो बोलिए। और ये कुछ गुस्सा है तो पहले ही मैं क्षमा चाहती हूँ स्वामी जी। कोई कोई मैं ये जानना चाहती हूँ स्वामी जी कि आपको आपको कैसे, मतलब अभी आपका भी पूर्ण तो अज्ञान नाश नहीं हुआ है ना स्वामी जी। बोलिए। तो आपका कैसे, आपको कैसे क्या निकलता है ऐसे जानना है, ऐसे क्या अज्ञान, अज्ञान में क्या आप महसूस करते कि ये अज्ञान निकल रहा है, मुझे जरा शेयर करेंगे स्वामी जी आप? नहीं, अज्ञान निकल रहा है वो नहीं है, अज्ञान तो कर्म जो बनते हैं वो तो अज्ञान से ही बने हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए जो भी, जैसे महावीर का कर्म निकलेगा वो भी अज्ञान से निकलेगा, राम का निकलेगा वो भी अज्ञान से, और कृष्ण का निकलेगा वो भी अज्ञान से, क्योंकि कर्म बनता है अज्ञान से तो निकलेगा भी अज्ञान से। ज्ञानी अज्ञानी केवल ज्ञानी सब में कॉमन है। कॉमन है, फिक्स है और कुदरती रचना है सबका, अज्ञानी का, ज्ञानी का और केवल ज्ञानी का। हाँ हाँ, यानी अभी समझ में आ गया स्वामी जी की कोई भी, कोई फर्क नहीं रहेगा। हाँ हाँ, यानी पास्ट का जो भी अज्ञान है, अज्ञानता में लेकिन जो चार्ज दिया है दृष्टि में रहेगा, दृष्टि हाँ वो निकलेगा और ये सनातन वाला हमारी दृष्टि में रहेगा। हाँ, जो अभी मैंने आगे पहले प्रश्न के आगे उत्तर में प्रश्न हाँ, उत्तर बराबर है। हाँ हाँ, नहीं अभी अभी ख्याल में आ गया, अभी आपने बताया तो अभी एकदम पता चल गया स्वामी जी। हाँ, तो मैंने पहले भी कहा है, बहुत बार कहा है, सभी महात्माओं को मैंने कहा है कि हमको मन वचन काया में इन्वॉल्व नहीं होना है, टच नहीं होना है, डिटेलिंग में दिखाना है, सुधारना नहीं है, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ नहीं नहीं, वो तो है ही, पता है स्वामी जी, मगर ऐसे ही पता नहीं आज ऐसे ही मुझे लगा कि उसमें डिफरेंस नहीं देखना है, उसमें डिफरेंस नहीं देखना है क्योंकि वो कुदरती रचना है। बराबर है, वो कुदरती रचना है, उसमें ये पढ़ना ही है। देखना कहाँ है, हमारे ज्ञान और दर्शन में, दर्शन दर्शन में देखना है। हाँ हाँ सही और बात है। अभी ज्ञान के, ज्ञान से ज्यादा दर्शन शुद्धि के ऊपर भार देना है, क्योंकि ज्ञान शुद्धि तो करना है ही नहीं, दर्शन शुद्धि करना, दर्शन दर्शन में ही कच्चे पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया स्वामी जी। तो दर्शन दर्शन शुद्धि में जो भी कमी है, दर्शन शुद्धि का मतलब क्या है, ये मन वचन काया सहित दुनिया को हम कुदरती कानून, कुदरत और कुदरती रचना से नहीं देख पाते हैं, बस वही हमारे दर्शन की अशुद्धि है, अशुद्धि है। बराबर है। तो स्वामी जी आपको हम एट ए टाइम आपको मन वचन क्या क्या करता है, मेरा या दूसरे का, वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो आपको तो एकदम सनातन सत्य के सिद्धांत एकदम हाजिर ही रहते होंगे ना स्वामी जी? नहीं, सिद्धांत तो मेरे को हाजिर है, सिद्धांत तो मेरे को हाजिर है, मगर जो दर्शन, जो दर्शन की जो कमी है, वो कमी कौन सी होती है कि अभी सिद्धांत के अंदर कहीं सारी ऐसी बातें हाई लेवल की है जो अभी कलयुग में तो सामान्य तौर से हम लोगों को ये दृष्टि नहीं होती है, मगर ऐसी ऐसी बातें हैं जो मेरी दर्शन से खुली नहीं है अभी। हाँ, तो खुले इतना अज्ञान है, ये मन वचन काया की अवस्थाओं को देखने का अज्ञान नहीं है। हाँ 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 हाँ,
समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ, अभी कई सिद्धांत है जो खुले नहीं हुए, सिद्धांत की बात है। बरे बरे बरे, वो सिद्धांत ऐसे जो है वो लेवल के वो विजन में थोड़े नहीं आ रहे हैं, अभी अभी नहीं खुले। इसलिए मैंने कहा ना कि मेरे को केवल दर्शन नहीं है, दर्शन है केवल दर्शन। हाँ, हाँ, का मतलब होता है 360 डिग्री का दर्शन नहीं है। हाँ 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 स्वामी जी, जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था एक महात्मा के प्रश्न में, और मैंने तो बहुत बार कहा है कि ये कलयुग के अंदर किसी को केवल दर्शन हो ही नहीं सकता है, नहीं सकता है। हाँ हाँ, और इसीलिए जब केवल दर्शन होता है तो फिर केवल ज्ञान का भी तो कंपलसरी है। हाँ हाँ, सही बात है स्वामी जी, तो प्रचार करना है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, केवल दर्शन होता नहीं है, और केवल दर्शन नहीं है तो केवल ज्ञान भी नहीं होगा, तो इसीलिए इतनी कमी रहती है कलयुग के अंदर। हाँ हाँ स्वामी जी, तो दादा भगवान ने भी कहा वो भी केवल दर्शन था। श्रीमद राजचंद्र ने भी कहा कि भी हम जो अनुभव करना चाहते हैं वो नहीं कर सके, यानी जो भी लोग रुके हुए हैं वो केवल दर्शन में तो रुके हुए हैं, रुके हुए हैं। कमी है, आत्मा खुद ही संपूर्ण है, केवल ज्ञान करो। तो इसमें कुछ करना नहीं है। कमियां कहो सब हमारी दृष्टि में है, और दृष्टि का मतलब होता है ये दुनिया को देखने की जानने की जो दृष्टि है उसमें कमी है। मैं आत्मा हूँ वो जानने में कमी नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि जब अज्ञान नहीं निकला तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा। हाँ हाँ, सही है स्वामी जी, उसी में फंसे हैं हम, दर्शन में। हाँ हाँ, उसी में फंसे हैं हम। बराबर है स्वामी जी, तो आज तक हमने जो कुछ भी जाना था वो ऐसे जाना था कि मैं शुद्धात्मा बोलूंगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। मगर ये बात थ्योरेटिकल करेक्ट है, सैद्धांतिक करेक्ट नहीं है। क्योंकि शुद्धात्मा बोलो या ना बोलो आत्मा तो शुद्ध है, मगर हमारी दृष्टि में जो अशुद्धि है रिलेटिव सत्य की है। बराबर स्वामी जी, वो दृष्टि के कारण ही ऐसे होता है ना, वही अज्ञान। और रिलेटिव सत्य को मिटाने के लिए सनातन सत्य का विजन चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो केवल दर्शन होगा ही नहीं, और बिना केवल दर्शन केवल ज्ञान संभव ही नहीं है। सही है स्वामी जी। ओके ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, राइट जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो सत्संग अपलोड हुआ था उदीर्णा के ऊपर, उसमें आपने फरमाया था कि अज्ञान, जब ज्ञानी पुरुष ज्ञान देते हैं तो वो अज्ञान को मूल बीज से नष्ट करते हैं, लेकिन जो उदय कर्म में आए हुए कर्म तो हमें खुद ही नष्ट करने होते हैं। करेक्ट, जो आपने ये फरमाया था कि अज्ञान के बीज रूप से नष्ट करते हैं, तो उसके आगे को मैं बढ़ाता हूं तो ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान लेने के पश्चात या सम्यक होने के बाद हमारे नए कर्म नहीं जुड़ते और पुराना जो अज्ञान है वो गाढ़ होता है या पतला होता है, नया अज्ञान नहीं जुड़ता, ये मतलब है आपका? नहीं नहीं, बताऊं मैं आपको, मैं दूसरी बार इसको रिपीट करता हूं। मैंने ये कहने की कोशिश किया था कि लास्ट बर्थ के अंदर मन वचन काया की कोई भी कर्म है जो आप भुगतान कर रहे हैं, वो भुगतान किए हुए कर्म नए कर्म चार्ज करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, क्योंकि आपके पास सत्ता में अज्ञान नहीं है।
तो अपने आप ही निर्जरा हो रही है, करने की जरूरत नहीं है। नहीं मेरा इसके आगे अगर हमारा लास्ट बर्थ नहीं है और हम ये विज्ञान समझ के मन वचन काया से मुक्त रहते हैं तो नए कर्म तो चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि हम मन वचन काया से ही मुक्त रहते हैं तो फिर राग द्वेष की तो संभावना है ही नहीं, और राग द्वेष नहीं बनेंगे तो कर्म कैसे बनेंगे। इसीलिए उस समय जो कर्म बनते हैं वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म बनते हैं। और तीसरा स्टेप, अगर मैंने इस अवतार में कर्म चार्ज किए हैं, उस कर्म को मैं अपने ज्ञान और दर्शन से भस्मीभूत कर सकता हूं मेरे मरने से पहले, जिसको हम कहते हैं प्रायश्चित। चौथा सेक्शन है, मैं अपने ज्ञान और ज्ञानावरण और दर्शनावरण को जब मैं नष्ट कर देता हूं तो फिर मन वचन काया से किया हुआ कर्म वो चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण नष्ट होने का मतलब होता है उस समय का अज्ञान खत्म हो गया। तो चार्ज होगा नहीं। तो ये अवस्था की बात है। अभी आपका उपयोग रहा तो कर्म चार्ज नहीं होगा, उपयोग नहीं रहा तो कर्म चार्ज होगा। समझ में आया? नहीं, ये जो अज्ञान का मूल बीज नष्ट करने का बात थी। हाँ, तो सभी बातें अज्ञान के मूल बीज के ऊपर ही आई। सभी बातें, सभी बातों में अगर अज्ञान है तो कर्म चार्ज होगा ही, और अज्ञान नहीं है टेम्पररी तो भी चार्ज नहीं होगा, और परमानेंट नहीं होगा तो एक भी कर्म चार्ज होगा ही नहीं, जैसे लास्ट बर्थ में। दोनों ऑप्शन है, आप समझे ना। लास्ट बर्थ में तो ऑप्शन है ही नहीं, चार्ज नहीं होगा, मगर अज्ञान ही नहीं है। पहले तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको कर्म चार्ज करना है कि नहीं करना है, मतलब आप अज्ञान का उपयोग करोगे या नहीं करोगे। करोगे तो कर्म चार्ज होगा, चाहे पाप का चाहे पुण्य का। मगर आप शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का अवस्था में उपयोग करोगे तो संसार के लायक और सहायक कर्म चार्ज नहीं होंगे, मगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म चार्ज होंगे, जिससे मुक्ति मिलेगी, संसार नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बाद अज्ञान नहीं बढ़ता है, गाढ़ होता है, ये जो बात है आपने इस विषय में, ज्ञान लेने के बाद ज्ञानी पुरुष ने मूल में अज्ञान को नष्ट करने पे ये आधारित है क्या? ज्ञानी पुरुष जब हमको ज्ञान देते हैं या बीज डालते हैं ज्ञान का, उस समय कोई परिवर्तन होता है से हमारे जो है अज्ञान मूल से नाश हो गया, अब अज्ञान और जुड़ेगा नहीं, गाढ़ हो सकता है या पतला हो सकता है, ऐसा कुछ प्रश्न उठता है क्या उसमें? नहीं, इसमें गाढ़ कम ऐसा नहीं होता है। ज्ञान तो क्या होता है, ज्ञान का उपयोग करोगे वो समय अज्ञान नष्ट हो जाएगा, ज्ञान का उपयोग नहीं अज्ञान का उपयोग करोगे तो अज्ञान परिपक्व होगा, या तो नया अज्ञान भी बन सकता है, डिपेंड। नहीं, पहले तो ये था ना कि नया अज्ञान तो नहीं बढ़ता है, परंतु वो गाढ़ होता है या पतला होता है। ये विज्ञान जानने के बाद नया अज्ञान तो नहीं बनेगा, या तो पुराना अज्ञान जो बिलीफ के रूप में आया है वो निकल जाएगा, या तो वही अज्ञान अज्ञान के रूप में रहेगा, जिनकी आपको जिम्मेदारी रहेगी। मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे सर। यस। कि ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान विधि से ज्ञान देते हैं, क्या महात्मा के अंदर कोई चेंज होता है उसके अंदर?
क्या होता है, चेंज होता है उसके अंदर, उसके अवस्था में कोई ज्ञान अवस्था में कोई चेंज होता है। अवस्था की बात करते हो बताइए। नहीं, जो उसके अंदर अज्ञान है, अभी तो वो अज्ञान लेकर के ही ज्ञानी पुरुष के पास आया था, जब वो विधि से उसको ज्ञान देता है, क्या उसके अंदर ज्ञान बीज स्वरूप में और अज्ञान बनना बंद हो जाता है? ये मेरा प्रश्न है। और अज्ञान बनना क्या बंद हो जाता है? बताओ मैं आपको। पहली बात ये है, विज्ञान मिलने के बाद, ये विज्ञान समझने के बाद और विज्ञान का उपयोग करने के बाद अज्ञान नया नहीं होता है, या तो अज्ञान खत्म होता है या तो अज्ञान कैरी फॉरवर्ड होता है, ओनली द टू ऑप्शन। और अज्ञानी को अज्ञान ही बढ़ता है, ओनली वन ऑप्शन, चाहे पाप के रूप में चाहे पुण्य के रूप में। समझ में आया? हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ क्या सिद्धांत की बात है ना, सिद्धांत की। हाँ जी। तो जितना ये विज्ञान में जितना आप सिद्धांत समझोगे ना, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। और जितना श्रद्धा से समझोगे तो डिफिकल्ट है। और इसीलिए मैं ज्यादातर लोगों को सिद्धांत के ऊपर वेट देता हूं, और दुनिया के हर व्यक्ति श्रद्धा के ऊपर वेट देती है। और यहाँ ही तो पजल है। हाँ ठीक है, यहाँ ही पजल है। और इसीलिए जो भी आप किताबें पढ़ते हैं या तो और कुछ रिलेटिव सत्य सुनते हैं, इसके अंदर तो पजल रहेंगे, क्योंकि वो रिलेटिव सत्य की बात करते हैं। और रिलेटिव सत्य की बात होने के नाते आपको सनातन सत्य और रिलेटिव सत्य में तो डिफरेंस रहेगा ही। हाँ बिल्कुल, हर समय रहेगा। तो इसीलिए में बात हो रही थी। हाँ, तो मैंने क्या कहा, अज्ञानी को अज्ञान बढ़ना या अज्ञान को पक्का होना, वही ऑप्शन है। जिसके पास ये विज्ञान है, इनको या तो अज्ञान को कैरी फॉरवर्ड करना या अज्ञान को मिटाना, ये ऑप्शन है। अच्छा, उसका बढ़ता नहीं है अज्ञान। ठीक है। ठीक है साहब। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि विचार और भाव, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा कोई एग्जांपल देके उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं? विचार और भाव। अशोक भाई, आपका मुंह दिखता नहीं है? हाँ अभी दिखा। जय सच्चिदानंद। आपको डर नहीं लगता है ना? हैं? आपको डर लगता नहीं है ना? किसी का डर नहीं। हाँ, तो ठीक है। नीचे माइक रहता है, होता है ना मोबाइल के, कोई बात नहीं, इसलिए मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। हाँ, आपका प्रश्न है विचार और भाव में क्या अंतर है, बराबर है? विचार और भाव में क्या अंतर है? विचार जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं, और सभी विचार अपने आप मैकेनिकल फॉर्म में होते हैं। भाव कभी मैकेनिकल फॉर्म में नहीं होता है। भाव तभी कहलाता है आप जब खुद इन्वॉल्व होके साइन करते हैं कि ये मेरा इंटेंशन है, तभी वो कन्वर्ट इन अ भाव। बाकी विचार तो बहुत प्रकार के आते जाते रहते, वो भाव नहीं है। भाव से बीज होता है, विचार तो खुद ही फल है। जैसे हम आंखें बंद करेंगे तो हजारों विचार आते रहेंगे, क्या इसको आप भाव कहोगे? हाँ स्वामी जी। स्वामी जी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। समझो कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ और किसी की पेन, अच्छी पेन देखी, और मुझे मन में विचार आया कि ये मैं पेन ले लूं, तो ये मेरा भाव हुआ कि मेरा विचार हुआ? ये मेरा भाव हुआ कि मेरा विचार हुआ?
सबसे पहली बात मैंने कर्म नहीं किए है, खाली मैंने भाव पैदा किया कि ये पेन मेरे पास होनी चाहिए, मगर मैंने लिया नहीं है। तो ये भाव कर्म होगा कि फिर ये खाली विचार ही है? बताओ। देखो, देख कर जो विचार आए वो तो सिर्फ विचार है, वो आपका उदय कर्म है, मगर लेने की जो भावना हुई, क्योंकि ये पाने से कोई भी एंगल से आपको सुख लगता है, इसीलिए तो आपको पाने की इच्छा हुई। यस और नो? यस। बस वही आपकी कमजोरी है, उससे भाव बने, नेक्स्ट बर्थ में उसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, आप तन्मयाकार हो गए उनकी अनुभूति के लिए, भले रिजल्ट अभी आए या न आए, मगर नेक्स्ट बर्थ में जरूर आएगा, क्योंकि आपकी अनंत शक्ति का उपयोग पैन में सुख है वो आपने डाल दिया विथ एनी एंगल, तो वो कर्म बन गया। अभी वो विचार नहीं है, अभी भाव बन गया, और भाव से भाव बनता है, विचार से भाव नहीं बनता है। मगर हमें तो ऐसा समझाया गया है कि कर्म करते हैं तब भाव पैदा होते हैं। अभी तो मैंने कर्म किया नहीं, ये सूक्ष्म कर्म है। मीन्स मैंने जस्ट सोचा कि ये पेन मेरे पास होनी चाहिए, मगर मैंने कुछ अभी कुछ मैंने लिया भी नहीं है, खाली मैंने सोचा है। तो ये भाव भाव कर्म में हो जाएगा कि एक्चुअल मैंने कर्म नहीं किया तो फिर भाव पैदा नहीं होगा? पहले आपको डेफिनेशन क्लियर कर लो, आप कर्म और कर्म फल की डेफिनेशन क्या समझते हो, एक्सप्लेन इन अ वन और टू सेंटेंस। हाँ, मैं ऐसा समझता हूँ, एक है स्थूल कर्म और एक सूक्ष्म कर्म है। मैंने क्या कहा, मैंने वो नहीं पूछा, कर्म और कर्म फल की परिभाषा एक दो सेंटेंस में बताए, इसको कर्म कहते हैं, इसको कर्म फल कहते हैं, वो व्याख्या दो सेंटेंस में बताइए। कर्म जो एक्चुअल कर्म करते हैं वो कर्म है, जैसे मैंने उसकी दोनों की डेफिनेशन बोल दो ना, इतना देर क्यों लगाते हो? कर्म और कर्म फल। मुझे नहीं पता स्वामी जी, कर्म और कर्म तो फल क्या? अभी आपको ये सिंपल डेफिनेशन मालूम नहीं है तो मैं क्या करूं? थोड़ा समझाओ ना डिटेल में। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, थोड़े महात्मा थोड़ा सत्संग सुन के आओ तो आपके लिए अच्छा है। ये तो बेसिक बात है। हाँ, तो फिर उसमें तो बहुत बार आ चुका है, किसको कर्म कहते हैं, किसको कर्म फल कहते हैं। मन वचन काया से जो कुछ भी भुगतान करते हैं जन्म से मौत तक, अच्छा, वो 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। बराबर। ये डेफिनेशन आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? ना, वो तो बहुत बार सुनी है। हाँ, तो फिर अभी आप कर्म किसको कहते हैं वो बताइए। मैंने कर्म फल बता दिया, अभी कर्म किसको कहते हैं बताइए। कर्म जो है वो हमारे आध्यात्मिक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के जो कर्म मन वाचा कर्म से जो हम कर रहे हैं वो हमारा उदय कर्म है, मगर जो हम भाव पैदा करते हैं दैट इज ए पुरुषार्थ। वो नेक्स्ट बर्थ के लिए हमारा वो कैसा जीवन होगा उसके ऊपर आधारित है। बराबर है। तो अभी कर्म कर्म भाव से होता है, अभी आपका प्रश्न कहाँ टिका है वो बताइए। मेरा प्रश्न है कि एक आता है स्थूल विचार, और आपने और यही किया कि मैंने पेन नहीं लिया, लिया या न लिया वो उदय कर्म है, ये तो कर्म फल है, वो तो कर्म है नहीं। हाँ, लिया नहीं है, नहीं लिया तो भी उदय कर्म फल है, लिया तो भी कर्म फल है, मगर मैंने भाव किया तो ये भाव में गिना जाएगा कि खाली विचार में गिना गए थे, वही मेरा प्रश्न है। मैंने कहा ना कि आपने जब इनमें से सुख प्राप्त कर सुख मिलेगा मालिकी भाव से या कर्ता भाव से या भुगतान भाव से सुख मिलेगा,
वो बिलीफ से आपने भाव किया कि ये पेन मेरे पास होने चाहिए, बस यही कर्म बन गए। कर्म तो राग द्वेष से ही तो बनते हैं, क्रिया से थोड़ी बनते हैं। अच्छा, राम ने लाखों लोगों को मार दिया रावण के सहाय कर्म, फिर भी वो मोक्ष में गए, क्यों कर्म नहीं बने? अर्जुन ने करोड़ों लोगों को मार दिया महाभारत में, फिर भी मोक्ष में गए, क्यों कर्म नहीं बने? तो उसका कर्ता का भाव नहीं होगा उसी टाइम पे। तो बात तो वही आ गई ना फिर। हाँ, तो क्रिया तो सब्जेक्ट ही नहीं रहा, तो फिर पेन लेना न लेना वो तो सब्जेक्ट ही नहीं रहा। बराबर। धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे, थोड़ा और सत्संग सुनना है। अभी मारो क्वेश्चन समझवा माटे थोड़ुं के આપણે એક કોટેશન સરસ મૂકેલા યુએસ અધ્યાત્મ વિજ્ઞાનમાં કે મન વચન કાયા જે દ્રશ્ય રૂપે છે, કુદરતી રચના છે, અને આત્મા ત્યાં ના હોય, એ જડ સ્વરૂપે છે, અને સમજનારો પ્રતિષ્ઠિત અંદરનો ચાર્જિંગ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે। અત્યારે જે વાત કરી રહ્યા છે પ્રકૃતિ કુદરતી રચનાથી વાત થઈ રહી છે, એ જડ છે, અંદર સમજનારો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે, અને આત્માની હાજરીથી થાય છે। હવે એ સમજાયું છે, પણ હવે તમે અણુ પરમાણુની જે વાત કરી ને કિશોરભાઈ સાથે કે બે અણુ કરેક્ટ કરજો, મૂળ તો અણુ સ્વરૂપે પરમાણુ સ્વરૂપે છે, બે પરમાણુ ભેગા થાય અણુ બને છે, અને એના પર અજ્ઞાનથી કોટિંગ થાય છે, બરાબર છે, કરેક્ટ કરજો વચ્ચે। હવે તમે એમાં એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપેલું કે એક અને એક, વન પ્લસ વન એટલે બે થાય, પણ એક ને એક બાજુમાં મૂકે તો 11 થાય, એનું તમે શું કહેવા? સમજવાનું છે, કારણ કે તે વખત પછી આગળ થયું નતું વાત, અને એની પાછળ સાથે બીજું પણ કહી દઉં કે તમે અભિમાન અહંકાર નું કહેલું કે જેવી રીતે અહંકાર પર એક તો અણુ પર અંદર સેન્ટરમાં જ પેલું જે થાય ને બ્રેક કરીએ તો શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે એની તમે વાત કરેલી, અને પેલું ભેગા થાય તો અજ્ઞાન ઉભું થાય છે કોટિંગ થઈને, એ સમજ્યું, અને અહંકાર તમે કીધું ને અહંકાર, એ પણ આગળ વાત થઈ, અહંકાર પર જો બ્રેક કરે તો કાં તો અજ્ઞાન ડબલ થઈ જાય, કાં તો જ્ઞાન બાજુ વળી જાય, એ સહેજ સમજાવો। આ તો મેં મારું થોડું એડ કર્યું છે, પણ તમે સમજાવો। જો પહેલા જો આપકા પ્રશ્ન હે 1 પ્લસ, સોરી મેં ગુજરાતી માં બોલી, હા સોરી, કોઈ વાત નહીં 1 પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, और एक के साथ में एक रहेगा तो अज्ञान रहेगा, तो ये आंसर तो कोई आध्यात्मिक नहीं है, रिलेटिव सत्य है। कहने का मतलब ये है कि परमाणु एक के साथ एक रहेगा तो शक्ति का प्रदान नहीं होगा, एक और एक जुड़ जाएगा तो शक्ति का प्रदान होगा, यानी एक परमाणु का अंदर पावर नहीं है, मगर दो परमाणु मिलने से पावर होता है, बगल बगल में रहने से पावर नहीं होता है, ये समझाने की मैंने कोशिश किया। और दूसरी बात जो मैंने कहा, ये बात आप व्यवहार में भी ले सकते हैं कि हम दो भाई होते हैं और दो भाई अलग अलग होते हैं तो शक्ति तो दो गुनी है मगर हेल्प नहीं होता है, मगर दो भाई का मन एक हो जाता है तो शक्ति 11 गुना बढ़ जाती है। द सेम ओपिनियन, जैसे मैं व्यवहार में कहूं हस्बैंड और वाइफ का दोनों का अलग अलग ओपिनियन है तो उसको दो ओपिनियन कहेंगे, मगर दोनों का एक ओपिनियन है तो वो ओपिनियन पावरफुल हो जाता है 11 गुना। ओ 11 गुना, तमे ये मतलब क्या छो? ऑफ कोर्स, या ये रिलेटिव सत्य है, और मैंने वो विज्ञान की बात कहा। दूसरी बात ये है, मैंने कहा विस्फोट शब्द, हां यहां संसार के अंदर जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि परमाणु को ब्रेक करना, इसमें परमाणु बॉम्ब फटता है और विस्फोट होता है, और परमाणु को तोड़ना उसमें अनंत शक्ति होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ओनली वन परमाणु, इनको ब्रेक करना वही तो शक्ति है, वो जड़ शक्ति है, मतलब वो जड़ शक्ति है। तो मैंने यही कहा कि आत्मा के अंदर जो से शक्ति है वो तो चेतन शक्ति है, मगर चेतन शक्ति की हाजिरी में आपने जड़ उसको तोड़ उसको बाहर निकल के जड़ शक्ति में इंटरेस्ट लिया आपने,
राग कहो, द्वेष कहो, मोह कहो, इससे विस्फोट हुआ और आपको अनंत अवतार तक जन्म मरण लेना पड़ा जी। हालांकि मूल शक्ति तो अनंत है, मगर ये विस्फोटक जो शक्ति थी वो विनाशी थी, और विनाशी शक्ति से उसको अज्ञान बोला जाएगा, इससे राग-द्वेष होगा, कसाय होगा, कर्म बनेंगे और जन्म मरण बनेंगे, तो ये विस्फोटक हो गया। अगर ये विस्फोटक कहां से शुरू हुआ, अज्ञान में एंटर होने से। कब खत्म हो गया, अज्ञान खत्म हो गया तो वही आपकी अनंत शक्ति खुली हो जाएगी, विस्फोटक शक्ति समाप्त हो जाएगी, जन्म मरण बंद हो जाएगा। अबे अज्ञान तमे कहो जे अज्ञान में तमे गया એટલે અજ્ઞાન તો પડ્યું જે તમારું રૂપ રસ ગંધ ને સ્પર્શ એનો એ આખું જે સ્વરૂપ થાય એમાં હું માન્યું એ અજ્ઞાન રાઈટ। અને આત્માની શક્તિ હવે જ્યારે બે બે ભેગા થાય છે જડ શક્તિ અને આત્મા ત્યારે તો કોઈને ખબર નથી કે શું અજ્ઞાન છે અને શું જ્ઞાન છે। કુદરતી રીતે અહંકાર વિભાવિક શક્તિ ઉભી થાય છે અને એ અહંકાર આમાં પહેલો ભળી જાય છે આમાં પણ એ હું એમ કહું છું કે અહંકાર આમાં જ ભળી જાય છે અજ્ઞાનમાં જ ભળે છે આ બાજુ ભળતો જ નથી કોઈ દિવસ આત્માની આટલી બધી પાવરફુલ શક્તિ છે છતાંય તો અહંકારની કેટલી શક્તિ હશે એસા નહીં હૈ આત્મા અહંકાર પ્રકૃતિ કે સાથ જુડ જાતા હૈ ઓર પરમાત્મા કે સાથ નહીં જુડતા હૈ એસા નહીં હૈ। अहंकार अज्ञानता के वश विनाशी अवस्थाओं में इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट से जुड़ जाता है, बिलीफ से जुड़ जाता है। फिजिकली जुड़ना तो उनके साथ संभव है ही नहीं, ओनली बिलीफ मान्यता। और ऐसे भी आत्मा के साथ जुड़ता है अभी वो भी बिलीफ ही है, राइट बिलीफ। और જ્યારે મૂળભૂત અજ્ઞાન ઉભું થાય છે और जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो वो ही अहंकार जो होता है वो खुद बन जाता है शुद्ध आत्मा, वो ही केवल ज्ञान है। क्योंकि अहंकार शब्द अज्ञान का प्रतीक नहीं है, अहंकार शब्द अस्तित्व का प्रतीक है। अगर अहंकार के साथ अज्ञान जुड़ गए फिर विस्फोट हो गया। तो अज्ञान केम पहलू जोड़ायू ने ज्ञान केम ना जोड़ायू, क्यों अज्ञान जुड़ गया क्यों ज्ञान नहीं जुड़ा? समझ गया, क्योंकि निगोद में तो संपूर्ण अज्ञान का आवरण है, मतलब कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है, रिलेटिव सत्य का नहीं है, रियल सनातन सत्य क्या भी नहीं है, और इंद्रिय ज्ञान भी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। निगोद में जहां से उसकी बिगिनिंग होती है, या बिगिनिंग स्वरूप है क्या थी, એટલે છેદ નહી। फिर बाद में जब व्यवहार राशि में आती है तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय ऐसे ज्ञान धीरे धीरे खुला होता है। तो पहले इंद्रिय ज्ञान का विकास हुआ, फिर मनुष्य में आने के बाद बौद्धिक ज्ञान का विकास होता है, फिर इसको मालूम होता है कि ये सब ज्ञान, चाहे इंद्रिय ज्ञान कहो चाहे बौद्धिक ज्ञान कहो, ये सब ज्ञान तो अज्ञान की ही जड़ है। बीजो क्वेश्चन ये समझी गई सरस। अने बीजो क्वेश्चन के अहंकार में तुमने पूछो एक क्वेश्चन के अहंकार पर मार पड़े तो कहां तो ज्ञान बाजू वड़ी जाए કાં તો અજ્ઞાન વધારે સ્ટ્રોંગ થઈ જાય, કારણ કે પછી એક જીદ લઈ લે કે મારે આમ જ કરવું છે, અને કાં તો એ પાછું જે રીતે દાદાને દાદા ભગવાન કહેતા ને એમના મારા ભાભી એ ટોણું માર્યું કે કોઈ કે પણ સમ એ પછી કે વૈરાગ આવી ગયો ખુલ્લો થયો, તો કઈ બાજુ એ પહેલાનું જ્ઞાન જ્ઞાન દર્શન ખુલ્લું થાય એ કામ કરી જાય છે આખું? વો તો અપના ડેવલપમેન્ટ લેકર આયે સંજોગ ઉદય કર્મ હૈ ઓર સંજોગ મે જો જ્ઞાન ખુલા વો ભી ઉદય કર્મ હૈ નૈમિતિક। जागृति अलग चीज है और ज्ञान खुला होना वो अलग चीज है। जैसे दादा भगवान ने कहा कि मेरे को ज्ञान खुला हुआ 1958 में, मगर वो बट नेचुरल है, ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है। ऐसे उनकी उनकी भाभी के साथ जो व्यवहार हुआ उससे जो इनको ज्ञान प्रकट हुआ वो भी उदय कर्म है। पुरुषार्थ कहाँ होता है, पुरुषार्थ कहाँ होता है जहां हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ की बात करता हूँ, पुरुषार्थ कहाँ होता है जब आप कोई भी अवस्था में शुद्धात्मा में रहते हैं और मन वचन काया की मन वचन काया तीनों की अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखते हैं, वो आपका रियल पुरुषार्थ है
जो अज्ञान को मिटा के शुद्धात्मा की दृष्टि को दृढ़ करता है, वो आपका रियल पुरुषार्थ है जी। એટલે અહંકાર જ પ્રયત્ન કરે અજ્ઞાન કો મિટા કે અજ્ઞાન કો બાકી જૈસે જૈસે તુલસીદાસજી કો ભી અપની પત્ની ને કહા થા કે ભી યે મેરે હડ્ડી ઓર માંસ સે બના હુઆ શરીર હૈ ઇસમે ઇતના આપકો મોહ હૈ અગર ઇતના મોહ ભગવાન મે હોતા તો આપકો ભગવાન ભી મિલ જાતે બસ એસા કહા તો તુલસીદાસજી કો ટર્નિંગ પોઈન્ટ આ ગયા વો સીધે ચલ ગયે ઘર બાર છોડ કે નિકલ ગયે चंदन घाट चले गए। तो कहने का मतलब ये तो उदय कर्म है, ये संजोग आना बोलना चले जाना ये उदय कर्म है, अंदर जो जागृति है वो उनका पुरुषार्थ है। चले जाना उदय कर्म पछी थी जे पुरुषार्थ शुरू करे हे पोतानो स्वयं होय के कई बाजू जाऊ। इसीलिए मैंने साफ कहा है कि पुरुषार्थ सिर्फ ज्ञान दर्शन ही है, पुरुषार्थ मन वचन काया से नहीं होता है। बराबर ના એટલે અહંકાર નો મેઇન રોલ છે ને, મારો કહેવાનો મતલબ કે અહંકાર નો મેઇન રોલ છે, કારણ કે એને માર પડે છે, એને બંધન લાગે છે, એને પોસાતું નથી, ત્યારે છૂટવા પ્રયત્ન કરે છે, રસ્તા ખોળે છે સુખ મેળવવા સંસારમાં કે બહાર, પછીથી તો વૈજ્ઞાનિક રીતે કે પોતાની જો પ્યોરિટી હોય તો વૈજ્ઞાનિક રીતે શોધવા પ્રયત્ન કરે કે કેવી રીતે છૂટાય, પણ છેવટે તો અહંકાર જ રસ્તો ખોળ શોધી લેશે ને પોતાની, પછી કુદરત સંજોગો ભેગા કરી આપે છે। इसीलिए मैंने क्या कहा कि ज्ञान प्राप्त करना या विज्ञान प्राप्त करने का मतलब अहंकार को खत्म करना वो नहीं है। मैंने बार बार कहा है बिना अहंकार आप पुरुषार्थ कैसे करोगे। बराबर, तो अहंकार नष्ट नहीं होता है, अहंकार तो अहंकार होता है, मगर आपका ज्ञान दर्शन परिवर्तन होने से अभी आपका अहंकार अभी के ज्ञान के दर्शन के मुताबिक काम करता है, पहले जो पुराना ज्ञान दर्शन था उसी के मुताबिक काम करता था, मगर अहंकार तो कॉमन है दोनों में, चाहे सांसारिक पुरुषार्थ करो चाहे आध्यात्मिक मार्ग का पुरुषार्थ करो, अहंकार तो दोनों में चाहिए। पुरुषार्थ इज इक्वल टू इगोइज्म, अहंकार नहीं तो पुरुषार्थ नहीं। और लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ नहीं है तो अहंकार भी नहीं है, आत्मा अपने स्वभाव में, प्रकृति अपने स्वभाव में, प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, इसलिए पुरुषार्थ भी नहीं है। या क्योंकि दर्शन खुला हो गया कि कैसे जगत चलता है, और मैं कौन हूँ, वो खुला हो जाता है, तो अज्ञान संपूर्ण नष्ट होता, केवल दर्शन संपूर्ण खुला, अने केवल ज्ञान नु जे बीज पड़े छे तमे कहो छो एक जन्म मा छेवटे केवल दर्शन, अने बीजा जन्म मा केवल ज्ञान, એટલે પછી અહંકાર તો રહેતો જ નથી, ખાલી જે કર્મો ડિસ્ચાર્જ કરવાના બાકી રહ્યા હોય એ જ ભોગવટો જ બાકી રહ્યો હોય છે મન વચન કાયાનો, એ કેવી દશા એ તો વિચારવી બહુ દૂરની વાત છે। ઓકે વેલ યા સ્વામીજી આપને જ્ઞાની પુરુષ કો પાવર હાઉસ બોલા કે જ્ઞાની પુરુષ પાવર હાઉસ હોતે હૈ, વો ભી મેને બોલા, ઓર પ્રત્યક્ષ ये आपने जो सेंटेंस बोला वो सेंटेंस अधूरा बोला। मैंने कहा अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो लाइव है वो ज्ञान अनुभव ज्ञान का पावर हाउस है, जो चले गए वो पावर हाउस नहीं है, ये आपको दिमाग में दृष्टि में होना चाहिए एट ए टाइम। अभी बोलिए, फिर आपने ये बोला कि प्रत्यक्ष और प्रकट ज्ञानी पुरुष से ही आपका कायम्य कहलाएगा, प्रत्यक्ष अनुभवी पुरुष अनुभव का लाइव जीवंत पावर हाउस है, जो प्रत्यक्ष नहीं है वो पावर हाउस ही नहीं है,
तो सप्लाई कैसे होगा? सही बात है स्वामी जी। तो मैं तो मैंने हर बात को बिल्कुल सिंपल बताया है। हाँ बाकी तो श्रद्धा से बाकी श्रद्धा से तो हम राम कृष्ण को भी मान सकते हैं। श्रद्धा से मानना है तो दादा भगवान को क्यों, महावीर को क्यों नहीं माने, सिमंदर स्वामी को क्यों नहीं माने? अगर श्रद्धा से ही मानना है तो किसी को भी मान सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभवी पुरुष ही अनुभव का जीवंत पावर हाउस है, और परोक्ष है वो श्रद्धा का फल मिल सकता है, सिद्धांत का फल नहीं मिलता। सही बात है स्वामी जी। स्वामी जी यहाँ प्रकट शब्द किसके लिए आया? प्रकट ज्ञानी पुरुष का शब्द किसके लिए आया फिर? प्रकट का प्रकट ज्ञानी पुरुष का शब्द किसके लिए आया है? प्रकट का मतलब होता है जिसके अंदर ज्ञान और दर्शन दोनों अनुभव के रूप में प्रकट हो गया है, वो प्रकट है। ज्ञान और दर्शन अनुभव के रूप में प्रकट हो गया। तो स्वामी जी जब आप आपके माध्यम से हम ज्ञान समझ रहे हैं, आपके माध्यम से हम ज्ञान समझ रहे हैं, तो ये समझना और अनुभव करना तो फिर प्रकट तो सभी के लिए, महात्माओं के लिए भी हो जाएगा ये शब्द यूज? जितना जितना आप अनुभव करोगे इतना इतना आपका प्रकट ज्ञान कहलाएगा, 1% से लेके 100% तक। स्वामी जी मैंने एक आपका और वीडियो सुना था, उसमें आप व्यवहार बुद्धि तो मैंने आप बोल रहे थे कि आप लेकर ही आए हैं व्यवहार बुद्धि, तो लेकिन आपने एक चेतन बुद्धि की भी बात करी थी वहां पर, वहां क्या कहना चाह रहे थे आप? मैंने ये कहा था कि अभी जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ अनुभव का ज्ञान, ये ज्ञान तो मैं लेकर आया हूँ, वो ही मैं व्यक्त करता हूँ। और आज जो मेरे को नया अनुभव हो रहा है पुरुषार्थ के रूप में, वो अनुभव को मैं अभी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए संयोग चाहिए, वो नेक्स्ट बर्थ में आएंगे, इस बर्थ में नहीं आएंगे। मगर जो अनुभव लेकर आया हूँ तो व्यक्त करने का संयोग भी लेकर आया हूँ, और आज जो अनुभव कर रहा हूँ नया अनुभव, उनका संयोग कहाँ से लाऊंगा? सही बात। तो हर बातों को सिद्धांत से समझोगे तो ही समझ में आएगा, श्रद्धा से समझ में नहीं आएगा। ठीक बात है स्वामी जी। ठीक है स्वामी जी। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनोद भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। थोड़ी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वॉइस और पिक्चर की मैच नहीं हो रही है दोनों की। एक महात्मा ने एक एग्जांपल दिया था कि भी जो है कोई पेन देखा और उसको लेने की इच्छा हो गई मन में, तो इसके अंदर थोड़ा वॉइस वॉइस जरा थोड़ा कम सुनाई देता है। टैबलेट है प्लीज। अभी एक महात्मा ने एक एग्जांपल दिया था कि कोई पेन देखा और उसको लेने की मन में इच्छा हो गई, तो इसके अंदर हम ये जो कुदरती रचना का जो दर्शन है इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? कुदरती रचना वही तो विचार आए, वो भी कुदरती रचना, पेन लिया न लिया वो भी कुदरती रचना, मगर आपको भाव हुआ वो आपका पुरुषार्थ। लेकिन जो भाव हो गया और बाद में पता चला कि भाई ये भाव ऐसा हो गया, तो उस समय कुदरती रचना अप्लाई करने का है, कैसे करने का है? क्योंकि जिस समय भाव हो, आप चाहे तो भाव को इरेज कर सकते हो, ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट बिफोर, अगर आपने एग्जाम दे रहे हैं यू आर राइट टू करेक्ट योर एग्जाम एनी टाइम इन योर लाइफ। अगर
अगर मैं ऐसे सिचुएशन में पेन है और मैं उसमें मेरी जागृति रहती है कुदरती रचना की, तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर ऐसा भाव नहीं उठेगा लेने का कि मुझे मिले? नहीं, भाव अलग चीज है, विचार अलग चीज है, और विचार के साथ उदय कर्म जुड़ा है वो अलग चीज है। भाव कब होगा? जब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज अवस्था में इन्वॉल्व होगा तब तब भाव शुरू होता है। सेपरेट होगा भाव शुरू नहीं होगा। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार स्पीच एक्शन क्या करता है? सब कुदरती रचना। तो ये जो लेने पेन लेने का जो विचार आया, भाव खड़ा हो गया, तो ये कुदरती रचना में जाएगा लेने का? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा? विचार आया और लिया या तो नहीं लिया, दोनों कुदरती रचना है। और भाव किसको बोला जाएगा? एक एक मिनट, एक मिनट। 6 5 4 3 2 1 एक तो पेन देखा, और पेन देखने के वक्त एक बार एक विचार आया कि भी जो है ये मेरे पास भी हो या मुझे भी मिले, तो इसमें कुदरती रचना कैसे देखना है इसको? कि जो विचार आया और भाव हुआ मेरे अंदर, ये मेरे चार्ज हो गया, या कि इसको कुदरती रचना देखता हूं तो उसको मैं इरेज कर देता हूं? एक मिनट एक मिनट, जब आप कुदरती रचना देखोगे तो पेन लेना न लेना वो भाव में कन्वर्ट हो सकता है। कैन यू थिंक? थिंक फर्स्ट। तो कुदरती रचना किस स्टेज पे देखता हूँ? कि जब पेन पेन में देख रहा हूँ उस समय पेन देख रहे, ले रहे या नहीं ले रहे हैं, या पेन के लिए रिलेटेड जो भी विचार आ रहे हैं वो मन बुद्धि चित्त अहंकार डिस्चार्ज है, उनकी प्रोसेस है। राइट। तो डिस्चार्ज के अंदर मन 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 शब्द बोलता हूं तब मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों आ गया, पिछले अवतार का चार यहाँ डिस्चार्ज होगा, और स्पीच और एक्शन वो प्रकृति के रूप में बाहर व्यक्त होगा, और तीनों पार्ट टोटली कुदरती रचना है। उसको कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो पेन लेना न लेने का भाव का सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि तो कुदरती रचना में तो मैं शुद्ध आत्मा हूं और ये सब कुदरती रचना है। तो फिर पेन लेना न लेने का भाव होना तो प्रश्न है ही नहीं। तो अगर ऐसा विचार उठता भी है कि मैं ये पेन मुझे मिले या मैं ले लूं, तो वो भी कुदरती रचना के में ही जाएगा या वो उठेगा ही नहीं वो भाव? अगर अगर आपने पूरे पैकेज को अंतस्करण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, बाह्यकरण यानी स्पीच एंड एक्शन, ये पूरे पैकेज को आपने जब कुदरती रचना देखा है तो फिर पेन लेने का भाव खड़ा ही नहीं होगा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में। इट इज इम्पॉसिबल। आप इन्वॉल्व हो जाओगे लाइव प्रतिष्ठित आत्मा मैकेनिकल भाग में इन्वॉल्व हो जाएगा तभी तो भाव शुरू होगा, नहीं तो भाव कैसे होगा? तो मतलब इसको तो कहते, इसको कहते हैं सेपरेशन। सेपरेशन, यस यस। तो मतलब मेरे अंदर अगर ऐसा भाव खड़ा होता है कि मैं मुझे ये मिले या मैं ले लूं या मैं उसको ले लेता हूं, तो इसका मतलब कहीं पर मेरा स्लिप हुआ है, कहीं पर मेरी जागृति कच्ची पड़ी है, इसलिए ऐसा हुआ है, राइट? अब बाहर की बात करते हो या अंदर की बात करते हो? मतलब मुझे लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि भी अगर मेरे अंदर वो कुदरती रचना के रूप में अगर हाजिर रहता है तो ऐसा भाव खड़ा होगा ही नहीं, आपने ऐसा बताया। तो मतलब मैं इसको क्लैरिफाई, मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूं कि अगर भाव एक मिनट डिस्चार्ज भाव जो भी लेकर आए हैं वो भाव भी होगा, विचार भी होगा, स्पीच भी होगा, एक्शन भी होगा, और पूरे पैकेज का एक नाम है कुदरती रचना। पूरे पैकेज का भाव भी होगा मगर वो डिस्चार्ज भाव, विचार भी होगा मगर वो डिस्चार्ज विचार, स्पीच भी होगी मगर वो डिस्चार्ज, एक्शन भी होगा मगर वो डिस्चार्ज, और पूरे पैकेज को आप कुदरती रचना देखते हैं वही आपका अभी का दर्शन है,
वो दर्शन में चार्ज कुछ नहीं होगा। तो वो जो दर्शन मेरे को हाजिर रहना चाहिए, वो मेरे को एक मोमेंट टू मोमेंट हर एक विचार के अंदर हाजिर रहना चाहिए, या कि जब भी जागृति आती है कि मान लीजिए एक पेन सामने आया, पेन सामने आया तो मुझे एक तो देखते के साथ मेरी जागृति हाजिर हो गई कि भाई ये कुदरती रचना है, और उसके अंदर मुझे लेने, मेरी अगर डीप जागृति अगर होगी तो मुझे उसको लेने का विचार ही नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर उसमें से स्लिप हुआ तो मेरे को, मेरे अंदर ऐसा विचार खड़ा हो जाएगा कि भी मैं ये ले लूं, ठीक है। लेकिन और उस स्टेप पर भी अगर मुझे समझना है कि भाई ये कुदरती रचना है, ये रिलेटिव है, इसमें मुझे क्यों सुख आ रहा है, तो उसको मैं उस स्टेप पे मैं उसमें से निकल सकता हूं। अगर वहां पर भी मेरी स्लिप हुई तो मैं उस पेन को ले लूंगा। तो ये जो कुदरती रचना है इसको कहां पर मैं अप्लाई करूं, कि वो लेने के बाद अगर हाजिर होता है उस समय पे अप्लाई करूं, या कि जब वो भाव खड़ा हुआ तब अप्लाई करना चाहिए, या मतलब ये मुझे ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है कहां पर वो जागृति रहनी चाहिए। बताओ बताओ बताओ, तीन चीजों को क्लियर समझ लो। जब मैं मन वचन काया की बात करता हूं तब काया का मतलब एक्शन स्पीच, वो भी आपको मालूम है, और जब मन बोलता हूं तब मन बुद्धि चित अहंकार चारों आ गए जी। तो मन वचन काया तीनों कुदरती रचना है। तो मन के अंदर पिछले अवतार में भाव बनने से पहले जो प्रोसेस हो गई है चार्ज के रूप में, यहाँ वही सेम प्रोसेस डिस्चार्ज के रूप में मन बुद्धि चित अहंकार में होगी, ठीक है जी। फिर से रिपीट करता हूं, चार्ज के समय मन बुद्धि चित अहंकार में जो प्रोसेस होकर जो भाव बने हैं इन प्रीवियस बर्थ, नेक्स्ट बर्थ में वही मन बुद्धि चित अहंकार रिजल्ट के रूप में सेम प्रोसेस करेगा, मगर पहले पुरुषार्थ था अभी ऑटो मोड है, और वो मन बुद्धि चित अहंकार भी काम करेगा और स्पीच और एक्शन भी काम करेगा, ये कुदरती रचना है। तो तीनों अवस्था को हम कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखते हैं, मन की, स्पीच की और एक्शन की। ये देखने वाला है प्रतिष्ठित आत्मा, और प्रतिष्ठित आत्मा ही देख सकता है ये कुदरती रचना है। तो इसीलिए अभी उसमें से कोई नया भाव की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, न रहेगी, क्योंकि मैं जब कुदरती रचना देखता हूं एट ए टाइम मेरे को मालूम है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, तो अभी भाव क्या करूंगा मैं। बोलिए। नहीं वो ठीक है, लेकिन जो कुदरती रचना की जागृति मेरे को, तो मतलब कुदरती रचना की मेरे को जागृति कब खड़ी होगी, क्या वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मुझे वो विचार के स्टेज पे जागृति हाजिर हो जाएगी, या कि एक्शन होने के बाद जागृति होगी, या कि जब वो भाव हुआ कि भी मैं इसको ले लूं तब जागृति होगी, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है या है। आपके कंट्रोल में है भी और नहीं भी है। है कितना आपके कंट्रोल में, जितना आपने यूज किया है वो आपके कंट्रोल में है। जहां आप फेल हो चुके हैं वहां आपको पुरुषार्थ करने की और आवश्यकता है। जैसे 5% आपको ये विज्ञान समझ में आया है तो 5% विज्ञान आपके उपयोग में रहेगा, 95% अनुभव में नहीं आया है उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ये मैंने पुरुषार्थ के हिस्से की बात बताया। परिणाम में तो 100% कुदरती रचना है, तो उसमें कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है। मगर पुरुषार्थ में दो हिस्सा है, अगर 5% का विज्ञान समझ में आया है तो 5% विज्ञान ऑटो मोड काम करेगा, मगर 5% से 6% जाना है या उससे आगे जाना है आपको ज्ञान और दर्शन का एफर्ट रखना पड़ेगा थ्रू योर विजन इन सर्कमस्टेंसेस। तो उसके अंदर मेन जो है वो क्या है, वो मोहनीय कर्म को उड़ाने का है क्या है, कि भाई जो मुझे भौतिक चीजों में सुख का मेरा भाव है
उसमें से निकलने का है, क्या है वो पुरुषार्थ? सबसे आठों कर्मों के अंदर जो किंग है वो मोहनीय कर्म है, और अगर मोहनीय कर्म नहीं है तो राग द्वेष कैसे होंगे? तो मोहनीय जब सामने मोहनीय की कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है उस समय पर मैं इसको साइंस को अप्लाई करके उस मोहनीय के जकड़ में से कैसे निकलू मैं, उसका एप्लीकेशन मुझे बताइए कि भी कोई पेन आया और सामने देखा इसको खड़े होने का भाव खड़ा हो गया तो ये मोहनीय के कारण हो रहा है, लेकिन इसमें से मैं निकलू कैसे? यस कुदरती सिंपल जी, नहीं वो तो कुदरती तो है आंसर, इट्स वेरी सिंपल। आपको आपके पास विजन है कि अगर मेरे पास 100 करोड़ का मकान है, 100 करोड़ की मिलकत है, डायमंड गोल्ड सिल्वर है, सब कुछ मेरे पास है और आत्मा नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब उसका मैं कोई मीनिंग ही नहीं रहता। तो फिर मोह किसका होना चाहिए, आत्मा का या साधनों का? अगर आत्मा नहीं है तो ये सभी साधनों की वैल्यू जीरो है, यस और नो? राइट, ठीक है, लेकिन आत्मा की वैल्यू के लिए मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? आत्मा तो है ही वहां पर, तो उसमें जैसा बताते हैं। और इसीलिए मैंने बार बार सत्संग में कहा है, हमारी दृष्टि में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आत्मा के आधार से शरीर और शरीर की अवस्था है, शरीर और शरीर की अवस्था के आधार से आत्मा नहीं है, ये विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। शक्ति आत्मा में है, अवस्था प्रकृति में है, और हम प्रकृति में उलझ गए क्योंकि हम डिटेलिंग में गए, हमको प्रकृति को कुदरती रचना देखना था, डिटेलिंग में गए, फंस गए। तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैं डिटेलिंग के अंदर कहां पर गया, जो मेरे को ऐसा ये खड़ा हुआ कि भी जो मैं पेन ले लूं या कोई भी मोहनीय का विषय आया, तो उसके अंदर डिटेलिंग में कहां पर मैं चला गया, ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। डिटेलिंग में आप वहां चले गए अगर आपको लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में भाव हो गया है, तो डिटेलिंग में ये चले गए कि पेन देख के जो विचार आए और पेन देखा, लिया या न लिया छोड़ दो, मगर ये पेन में सुख है, ऐसा भाव अगर लाइव प्रतिष्ठित में आया तभी आप लेने का नया भाव कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा, ये बर्थ में नहीं मिलेगा। लेने का नया भाव, हाँ तभी तो चार्ज बोला जाएगा ना। तो अभी जो भाव खड़ा हुआ कि भी मैं ले लूं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो डिस्चार्ज है, वो तो डिस्चार्ज है। ओके, और अगर वो तो मैंने पहले ही बोल दिया ना। अच्छा ठीक है, अच्छा मैंने उसको वो भाव के बेसिस पे मैंने वो पेन ले लिया तो वो भी डिस्चार्ज है? वो भी मैंने पहले भी कहा, लिया ना लिया दोनों डिस्चार्ज है, वो भी मैंने बोल दिया। तो लेकिन जब लेने के बाद फिर मेरी कुछ जागृति तो होनी चाहिए ना, कि जो मैंने ले लिया तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, उसका कुछ मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे करना कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, लिया न लिया, हमने कुदरती रचना देख लिया, कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देख लिया, तो फिर सुख दुख दोनों सब्जेक्ट ही नहीं रहे, क्योंकि न मैं हूं न मेरा है और न मेरा सफरिंग है, तो फिर सुख दुख दोनों ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर कर्म कैसे बनेंगे? नहीं, लेकिन जो मैंने अगर ले लिया और लेने के बाद मुझे ऐसा एक अंदर एक सेटिस्फेक्शन हुई कि भी हाँ मुझे मिल गया, तो वो जो है मुझे लगता है उसमें जो कहीं ना कहीं मोहनीय का पार्ट कोई प्ले कर रहा है, इसका मतलब एक्टिवली प्ले कर रहा है, तो उसमें से कहाँ कुछ तो मेरे अंदर होना चाहिए कि भाई जो है मैंने ले लिया और उसका मुझे उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई इसके अंदर मेरा सुख मेरा इसके अंदर मुझे महसूस हुआ, तो उसमें से निकलने का कुछ तो कहीं ना होना चाहिए, अदरवाइज तो मैं हर एक मोहनी के अंदर फंसता जाऊं और फिर मैं बोलता रहूं कि भी जो है ये कुदरती रचना है, तो वो मुझे बात ठीक लगती नहीं है। नहीं, प्रकृति को यानी
डिस्चार्ज मन बुद्धि चित अहंकार को सुख दुख लगता है वो तो लगेगा, क्योंकि उन्होंने चार्ज किया है तो डिस्चार्ज में अनुभूति नहीं होनी है, तो फिर चार्ज डिस्चार्ज का इम्पोर्टेंट ही नहीं रहेगा। ओके। मैंने अगर पिछले अवतार में कर्म चार्ज किया है कि मेरे को डायमंड की रिंग में आनंद पहनने से मेरे को सुख महसूस होता है, ये मैंने पिछले अवतार में भाव किया, ठीक है। अभी ये वर्ष में उदय में आया और मेरे को रिंग मिली, मैंने पहनी और मेरे को आनंद का अनुभव हुआ, ये पूरा पैकेज कुदरती रचना है या डिस्चार्ज। अभी मेरा दर्शन कहता है कि मन वचन काया उनकी अवस्था है, वो कुदरती रचना है। अभी मेरे को डायमंड में आनंद आया न आया वो बिलीव इसीलिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास ज्ञान दर्शन स्पष्ट हो चुका है कि सुख मेरा यानी आत्मा का स्वभाव है। मेरे अलावा 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है उनमें सुख नहीं है, सिर्फ अज्ञान भ्रांति है। तो अभी मैं पेन लेने का वीटी पहनने का भाव नया नहीं करूंगा, बिकॉज ऑफ मैंने पूरे पैकेज को कुदरती रचना के रूप में लाइव पुरुषार्थ में देख लिया। फिर मेरे को भी भाव करने की वीटी लेना है नहीं लेना है, सुख है दुख है सब देख ही नहीं रहा, क्योंकि कुदरती रचना। क्या कुदरती रचना? पूरी प्रकृति और प्रकृति की अवस्था भी कुदरती रचना, और मैं शुद्धात्मा, मेरा स्वभाव ही अनंत सुख वाला, तो फिर सब्जेक्ट ही नहीं रहा मेरे को, प्रकृति, प्रकृति की बिलीव और प्रकृति के साथ जुड़ी अवस्था, पूरा पैकेज मेरा सब्जेक्ट मेरे ज्ञान दर्शन में नहीं रहा, और यही मेरा पुरुषार्थ है। ठीक है, तो मतलब जो सुख भी जो महसूस हुआ वो प्रकृति को महसूस हुआ, एज ए डिस्चार्ज महसूस हुआ। ऑफकोर्स दुख भी उसको होता है और सुख भी उसको होता है, दोनों महसूस होता है। तो लेकिन जो ये पैकेज आपने पूरा बताया, इस पैकेज के इंडिविजुअल जब मेरे को ऐसा उसको रिवाइंड करके देखना है कि मेरे को ये अच्छा ये विचार आया, ये भी कुदरती रचना था, ये सुख हुआ ये भी कुदरती रचना था, और ये डिस्चार्ज है और मैं इससे अलग हूँ, तो उसमें कहीं कोई सेपरेशन रखना है एक्टिवली या कैसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि हमको रिवाइंड करके देखना मैं मना करता हूँ, मगर ये कहता हूँ कि आप एज फार एज पॉसिबल इसको जितना हो सके इतना लाइव देख लो कि ये कुदरती रचना है, और कुदरती रचना में सुख और दुख दोनों भ्रांति है। क्या है? सिर्फ हमारी बिलीफ है। एक्चुअली नेचर विल नेवर गिव यू द हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, बट बिकॉज ऑफ योर बिलीफ यू फील हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। नेचर विल ऑलवेज गिव यू द ओनली रिजल्ट ऑफ योर कॉज, बट यू पुट द लेबल ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस as per your belief. तो बिलीप तो निकालनी है, मगर बिलीप कैसे निकालेंगे? तो सनातन सत्य जानोगे कि भी मैं शुद्धात्मा हूं और सुख मेरा स्वभाव है, और बात की तो मान्यता है, दुनिया में तो सुख दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ सफरिंग है। टाइटल हम लगाते हैं, वो टाइटल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको मालूम हो गया कि आखिर अनंत सुख तो मेरे पास है, और मेरे पास का मतलब आत्मा के पास, बाकी जो ये मन वचन काया और अवस्था है वो तो कुदरती रचना है, उसमें न सुख है न दुख है, सिर्फ कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है। ठीक है जी, समझ में आया। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। इंदिरा भी? यस जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा प्रश्न है, जैसे कोई अवस्था खड़ी होती है तो कई अवस्थाओं में तो हम ये विज्ञान का उपयोग कर पाते हैं, और किसी अवस्था में, कई अवस्थाओं में हम नहीं कर पाते, उसको भी करता देखते हैं और खुद को भी करता देखते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद या टाइम निकलने के बाद इतने बीच में सब वो हो जाता है, नेगेटिव भी देखना और मन में चलता रहता, फिर हमें सनातन सत्य का एकदम से वो होता, अरे ये तो वो भी करता नहीं है, वो भी शुद्धात्मा है, मैं भी शुद्धात्मा हूँ, ये तो सब कुदरती रचना है, ये तो कुदरत करवा इस तरह। लेकिन स्वामी जी उस टाइम जो हुआ, करता देखा, विज्ञान का उपयोग नहीं करा, तो वहां तो कर्म चार्ज हो गए। हाँ, वो तो जब आपने
जब आपकी जागृति नहीं रही तो कर्म तो चार होंगे ही, लेकिन बाद में हमने उसको अवस्था को फिर सनातन सत्य और विज्ञान का उपयोग करके उसका वो किया, तो फिर वहां क्या होगा माँ वो चार्ज बाद में आपने जो उपयोग किया वो विज्ञान भी नेक्स्ट बर्थ में जब परिणाम आएगा तो हाजिर रहेगा। अच्छा, लेकिन चार्ज को दोबारा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, मगर कर्म की भुगतान तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, और जो जिसमें चार्ज नहीं हुआ है उसकी भुगतान नहीं करनी पड़ेगी नेक्स्ट बर्थ में? हाँ, वो तो नहीं करनी पड़ेगी ना, जब चार्ज नहीं हुआ तो डिस्चार्ज कैसे होगा। अच्छा, इसकी वो हाजिर रहेगा, बस भुगतान करनी पड़ेगी, इतना ही फर्क होगा बाद में देखने का। हाँ हाँ, अगर आपने बाद में देख लिया है तो फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, और आपने बाद में भी नहीं देखा है तो भुगतान के समय भी अभी आपको ये ज्ञान हाजिर रखना पड़ेगा, ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। यानी पास हो गए हैं तो फिर फॉर्मालिटी पूरी करनी है, पास नहीं हुए है तो आपको एग्जाम के समय आपको जागृति रखनी पड़ेगी। ठीक है स्वामी जी, और एक प्रश्न ये था स्वामी जी, अभी आपने बताया कि ये जो सुख हुआ डायमंड की अंगूठी में, सुख हुआ या नहीं सुख हुआ, ये सब डिस्चार्ज था पिछले जन्म का, ये इस चार्ज इस जन्म में वो डिस्चार्ज के रूप में आया, लेकिन अनुभूति हाँ, ये सुख दुख की अनुभूति ये लाइव प्रतिष्ठित आत्मा करती है, वही करेगी मन। सुख दुख की अनुभूति भी डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को ही होती है पिछले अवतार की बिलीफ के मुताबिक। अच्छा, और जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो अपने स्वरूप में रहे तब नहीं, वो चार्ज नहीं। अच्छा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा उससे अलग भी रह सकता है, जुड़ भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, इसीलिए उसको लाइव कहते हैं। अच्छा, वो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। ठीक है स्वामी जी, और एक और प्रश्न है स्वामी जी, जैसे आपने कल बताया था अंतराय कर्म के बारे में, वो अंतराय आते हैं इस तरह से, तो ये भी स्वामी जी अंतराय है इस जन्म में? जैसे कोई सत्संग में हमारे में विघ्न डालता है, कोई सुनना नहीं चाहता या सुनने नहीं देता, तो ये भी हमारे सत्संग के लिए पूर्व जन्म के हमने अंतराय डाले हैं, उसी का ये उदय कर्म है, ये भी तो अंतराय है ना स्वामी जी? है हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की बाधा डालने वाला हमको जो भी मिलता है, चाहे मन वचन काया की बात है, चाहे धर्म की बात है, चाहे अध्यात्म विज्ञान के संजोगों की बात है, ठीक, तो वो हमारा अंतराय कर्म है। मगर अंदर दृष्टि से जो ज्ञान दर्शन का उपयोग करना है उसमें कोई भी व्यक्ति को बाधा डालने की क्षमता नहीं है। वो तो समझ में आया स्वामी जी, लेकिन बाहर जैसे सत्संग सुनना है या तो वो तो उसी को तो कुदरती रचना बोलते हैं ना, बाहर की बात हो तो। हाँ, तो उसका तो अभी इस अंतराय का तो कुछ उपाय नहीं है जो नहीं, हमको राग द्वेष नहीं करना, कुदरती रचना के रूप में देखना, तो अंतराय खत्म हो गया बस। ठीक, ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हेलो हेलो, हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, वो जो पेन का जो टॉपिक था उसके ऊपर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, जैसे जैसे मैंने सपोज कोई चीज देखी और वो मुझे किसी का ड्रेस देखा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मेरे को विचार आया कि बहुत अच्छा ड्रेस है, और मैंने भाव किया कि मैं भी जाके ऐसा ड्रेस खरीदूं, पर जब ये मेरे साथ होता है तो मैं इस पूरे प्रोसेस को देखती हूँ कि ये इस बॉडी नेहा का उदय है और मैं इससे अलग हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे तो पूरा दिन होता है, जैसे कुछ बच्चों की बात होती, घर का कोई सामान अच्छा लगता है तो हर एक चीज में मेरा मन होता है लेने का, तो मैं हर एक बार ऐसा भाव करती हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए, मैं भी ऐसा लू, पर हर समय मैं ये देखती हूँ कि नहीं, ये जो भी है ये इसका है डिस्चार्ज, नेहा का डिस्चार्ज है और मैं इससे अलग हूँ, तो क्या ये राइट है? वही तो हमारा पुरुषार्थ है, मैंने पहले भी कहा ना कि मन वचन काया से
जो कुछ भी होता है, और जब मैं मन बोलता हूँ तब इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार इंक्लूड हो गया, डिस्चार्ज। ओके, तो ये सब कुछ कुदरती रचना है, ऐसा मैंने बताया है। और उसको कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखना, वो हमारा पुरुषार्थ है। फिर कुदरती रचना के रूप में प्रकृति कोई चीज को देखती है, फिर इसको भाव होता है, लेने का मन होता है मगर नहीं ले सकते, ये सब कुछ प्रकृति की बात है। और प्रकृति तो कुदरती रचना है, इसमें हमको कुदरती रचना ही देखना है। मिला न मिला, मिला तो प्रकृति को आनंद आएगा, नहीं मिला तो प्रकृति को दुख होगा, मगर है तो कुदरती रचना, और मैं तो प्रकृति से मुक्त था, शुद्ध आत्मा हूं, तो मेरे को सुख दुख मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट टू मन वचन काया, सब्जेक्ट टू मन वचन काया की अवस्था, वो मेरा सुख दुख सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरा विजन क्लियर है, आई एम अ प्योर सोल एंड आई हैव अ इनफाइनाइट हैप्पीनेस। यस और नो? यस। तो अभी ड्रेस में सुख मिला नहीं मिला, लगा न लगा, वो तो प्रकृति की बात है, और प्रकृति तो कुदरती रचना है, तो भी नए भाव की तो कोई आवश्यकता है नहीं। That will be called a separation. तो ये सही है स्वामी जी, जो मैं सोचती हूँ, जैसा मैं, जैसे किसी के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है, मुझे, मैंने देखा ये कुदरती रचना है, ये मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, ये सामने वाले के मुंह से निकल रहे हैं, दोनों का हिसाब है, मेरे मन में भाव हुआ कि अब मुझे बात ही नहीं करना है, पर मैं इसको भी कुदरती रचना दिखती हूँ कि ये नेहा का है उदय, ये जो कर रही है इसका, इसके भाग का है, ये इसका उदय कर्म है, और उससे मैं अलग रहती हूँ, तो ये भी करेक्ट है? 100% करेक्ट है, उसमें कोई नई बात क्या है। एक व्यक्ति के साथ अगर हमारा एक ही दिन में 50 प्रकार का व्यवहार है, तो 50-50 व्यवहार कुदरती रचना है, ऐसा नहीं कि 1-2-3-4 ओनली, ऑल स्टेप ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, ऑल सर्कमस्टेंसेस प्लस ऑल स्टेप ऑफ योर वन सर्कमस्टेंसेस इज ऑल्सो कुदरती रचना, ऑल स्टेप ऑफ वन सर्कमस्टेंसेस, ओके, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ऑल द स्टेप ऑफ ओनली वन सर्कमस्टेंसेस, ऑल द पार्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस आर कुदरती रचना। जैसे विचार, जैसे आंखों से देखना, विचार आना, बुद्धि को पसंद आना, अहंकार को प्राप्त करने की इच्छा होना, फिर वाणी से वो व्यक्त करेगा कि मेरे कोई लेना है, फिजिकली वो बाय करता है, ये सब कुछ प्रोसेस कुदरती रचना है। हमको सिर्फ कुदरती रचना देखना है और कुछ करना नहीं है, यही हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है स्वामी जी, समझ आए? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। ये विज्ञान इतना शार्प और एग्जैक्ट और परफेक्ट है, अगर वो हमारे विजन में सेट हो गया, वन डे इट्स वर्क ऑटोमेटिकली। मैं एक ही बात, मैं आपके सभी सत्संग में से एक ही बात मैंने ये समझा है, मतलब पकड़ा है, कि जो भी हो रहा है मुझे इसको, अपनी आत्मा को ये सबसे अलग ही हूं मैं, और ये जो भी हो रहा है ये इस बॉडी का उदय है, और मैं इससे अलग हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, बस, राइट, वही तो है। ओके, समझो परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप, वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, अज्ञानता के बस, अजागृति के बस, मैंने जो दृष्टि से जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ,
उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे। और फिर से ऐसा दोष कभी न करूं ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।